हाय दोस्त दोस्तों, देखिए अभी हमारा फार्म में खाली किया। फार्म से जो खाने का सामान मतलब पीने के लिए जो सब रखा है, पीने का सामान मतलब कि जो डिंकर, अभी मैं फीडर निकला है। फीडर निकाल के अभी इसको रखा है, सफाई साफ सफाई होगा, बाद में खाली उसका अंदर लिया जाएगा। अभी देखिए ये फीडर कैसे खोल खाल के रखा, देख लीजिए। देखिए अभी ये इतना सारा, ये खाली खाने का सामान और भी है लेकिन वो सफाई है। और जो मतलब कि जो उसका अंदर देखिए, जैसे कचरा थोड़ा थोड़ा लगा था, काला काला दिख रहा है ना, मैं से वो बाहर रखा, बारिश हो रहा था, सोचा भीग जाएगा। अभी उसको बाद में थोड़ा सफाई कर दूंगा, भीग के अपने आप सफाई हो जाएगा, ऐसे सोच के रखा था। लेकिन दोस्तों बारिश तो हो रहा है लेकिन अच्छा से वो सफाई नहीं हो रहा। कल थोड़ा पंप चालू करके स्प्रे मार दूंगा तो वो सफाई हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए कैसे रखा है, पड़ा है ये हमारा, इसको इसका नाम है ये तो है फीडर। इसको एक खाम है, काम है इसका मतलब खाली खाना खाएंगे मुर्गी। और जो डिंकर है, डिंकर अंदर है, मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि लटका हुआ है। अभी देखिए फार्म का अंदर, देखिए ये सब चारों तरफ लटका हुआ है, और भी जो नहीं लटका वो भी बहुत उधर रखा है। मतलब आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए उधर बहुत तो है, उधर है ना जो देख रहा है, उधर उधर दोस्तों, उधर वाइट वाइट उधर बहुत है दोस्तों। अभी ये मतलब कि ये फीडर सब इधर है, डिंकर अंदर है, और फीडर भी कुछ है अंदर में। लेकिन देखिए इधर उधर कैसे है, वो थोड़ा सफाई था और मुर्गी लोग खाने खाने के लिए, देखिए उधर है, उधर है, वो अलग अलग जगह में है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ज़्यादा ज़्यादा करके बाहर लाया। अभी इसको सफाई होगा, साफ सफाई होने के बाद वो अंदर रखा जाएगा, क्योंकि ना अभी ब्रॉयलर ब्रॉयलर मुर्गी आ जाएगा तो फिर इसके लिए साफ सफाई का, इसके लिए पूरा सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। ब्रॉयलर के लिए तो खास करके ज़्यादा करके साफ सफाई और उसको अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये सब फीडर है दोस्तों, देखिए ये हमारा फार्म का फीडर। फार्म तो आपको दिखाया था, जैसे कि देखिए ये हमारा फार्म है, 80 बाई 30 24, मतलब 2500 मुर्गी के लिए है फार्म। अभी दोस्त देखिए फार्म का, तो अभी इधर सामान है, ये साफ सफाई किया जाएगा तो बाद में इसको अंदर लिया जाएगा। अंदर बाद में सफाई होगा, उसके बाद ब्लीचिंग होगा, चूना लगाया जाएगा, बाद में दोस्तों इसको अंदर किया जाएगा। देखिए अभी दोस्तों, अगर कोई फार्म का बारे में कुछ जानकारी लेने चाहते हैं तो कमर्स में ज़रूर बताइए, और हम लोग जरूर बताएंगे। मतलब यह कि वीडियो उसके लिए अलग बनाऊंगा, बताऊंगा और कैसे फार्म करेंगे, कैसे उसका मुनाफा कमाएंगे, और कितना उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और कितना आदमी चाहिए, पूरा पूरा A to Z बता दूंगा। लेकिन कमर्स करके पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, एक वीडियो बना के वो वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। देखिए अभी ये साफ़ सफाई होगा, कल साफ सफाई होकर अंदर चला जाएगा। अंदर जाएगा तो उस टाइम मतलब कि उसको चूना ब्लीचिंग करना पड़ेगा, तो बाद में इसको अंदर लेंगे। देखना दोस्त दोस्त अभी यही दिखा रहा था, अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान का कृपा आपका पर बना रहिए। बाय बाय।